A big day for the Aam Aadmi Party as Sanjay Singh walked out of jail after becoming the first AAP leader to get bail in the liquor policy case. जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर. This comes after the Supreme Court pointed out that no money trail leading to Sanjay Singh had been found. After that, the ED did not oppose his bail. बेल की जो पूरी हियरिंग जिस तरीके से हुई और जिस तरीके से ED ने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो इस बात को दर्शाता है कि इस पूरे एक्साइज मामले में जिनको कि वो एक बहुत बड़ा घोटाला बता रहे हैं, उनके पास ना तो कोई सबूत है ना ही वो एविडेंसेस हैं जिसको वो कोर्ट में दिखा सकते हैं. द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट सम कंडीशंस टू द बेल, इंक्लूडिंग नॉट स्पीकिंग टू द मीडिया अबाउट द केस. व्हाइल वेलकमिंग द जजमेंट, द ऑपोजिशन अक्यूज्ड द बीजेपी ऑफ मिसयूजिंग सेंट्रल एजेंसीज अगेंस्ट ओपोनेंट्स अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शंस. ये भारतीय जनता पार्टी जो भी एजेंसीज हैं उसका दुरुपयोग कर जो भी विपक्ष के नेता हैं, जिनकी आवाज है, जिन्होंने बीजेपी को घेरने का काम किया है, उनको पॉलिटिकली अरेस्ट कर रही है. जो उनको हिरासत में लिया गया है, ना उसमें सत्य है ना तथ्य है. कल बजरंगबली जी के आशीर्वाद से, कल मंगलवार था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल हमारे नेता को छोड़ा और बकायदा वहां ईडी सर्वसार हुई. ईडी को कहा गया तुम अगर आर्गुमेंट करोगे तो बताओ, आर्गुमेंट करने से इनकार कर दिया, कह दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर बेल दे दोगे आप इनको तो. On Tuesday, the BJP had said that Sanjay Singh got bail only because the ED did not oppose it, and that disproves the autonomy of the agencies. वो तो उनको बेल मिल गई और ED ने अपोज भी नहीं किया. Courts independent है, वो जो भी निर्णय लेंगे. Though this is an interim relief, but the Aam Aadmi Party is looking at as a major boost to their legal battle. But at the same time, ahead of the Lok Sabha polls, the release of Sanjay Singh is likely to give a fillip to the Aam Aadmi Party's poll preparation. With Aishwarya Jain and camera person Kanan Patra, this is Nukul Jashoria for NDTV.